नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं चक्रव्यू। दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर एक बार फिर से सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, दरअसल पिछले 11 महीनों से शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जब अपनी गतिविधियों के चलते किसान आंदोलन लोगों की नजरों में ना आया हो। मोदी सरकार द्वारा लाए गए दरअसल 3 कृषि कानूनों के विरोध में राजधानी दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर धरने पर बैठे किसानों का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है, साथ ही किस तरह की अराजकता को इन बॉर्डर्स पर अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे और इसी पर बातचीत भी करेंगे। दरअसल लगातार अब किसान आंदोलन की आड़ में जिस तरह की हिंसा की जा रही है, उससे तमाम सवाल किसान आंदोलन को लेकर खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि सिंगू बॉर्डर पर धरना स्थल से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक 35 साल के युवक की लाश मिली थी। आप साथ ही ये भी बता दें कि दिल्ली हरियाणा के सिंगू बॉर्डर से ये झकझोर देने वाली खबर और तस्वीर जब सामने आई, इससे हर किसी को हैरान कर दिया, साथ ही कई सवाल अपने आप में खड़े भी कर दिए। ऐसे में सिंगू बॉर्डर पर एक युवक की न केवल बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई, बल्कि उसके साथ उसके हाथ को भी काट कर शव से बांध कर उसे धरना स्थल पर ही मौजूद बैरिगेट पर लटका दिया गया। जैसा मामला है कि कहना गलत नहीं है कि सिंगू बॉर्डर पर हुई जघन्य हत्या ने अराजक किसान आंदोलन के खाते में एक सितारा और जड़ दिया है। आपको बता दें कि धरना स्थल से कुछ ही कदमों की दूरी पर लाश मिलने के बाद दहशत का माहौल है। तरह तरह की बातें हो रही हैं और कहा तो ये भी जा रहा है कि एक बार फिर से इस लाश के जरिए संपूर्ण किसान आंदोलन पर सवालिया निशान लगे हैं। बात अगर शव की हो तो जिस युवक की हत्या हुई है उसकी उम्र 35 साल के आसपास बताई जा रही है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है और उसने शव को अपने कब्जे में भी ले लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसी शव की बेकदरी हुई है, बताया तो यही जा रहा है कि हत्या से पहले युवक के साथ खूब जमकर मारपीट हुई और उसे घसीटा भी गया था। हत्यारे किस हद तक क्रूर थे, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हत्या के बाद युवक के शव को दोनों हाथों के सहारे बैरिगेट से बांधकर न केवल लटका दिया गया, बल्कि उसके दाहिने हाथ को काटकर शव के साथ भी बांध दिया गया था। हालांकि जो मुख्य आरोपी है इस पूरी घटना का, आज उसे पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर भी ले लिया है। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड ही दी थी। ऐसे में उसने अब तक 4 नाम का खुलासा किया है जो इसके साथ इस पूरी घटना में शामिल थे, उन नामों का भी खुलासा कर दिया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि जैसी शव की बेकदरी हुई है उससे बताया यही जा रहा है कि हत्या से पहले युवक के साथ जमकर मारपीट भी की गई थी। लेकिन जिस तरह से इस तरह की हिंसा लगातार किसान आंदोलन में हो रही है, उससे सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर ये कौन है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अगर ये अपने आप को किसान बताते हैं तो क्या यही वो किसान हैं जो लगातार 11 महीने से देश के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठकर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं? क्या वही किसान इस तरह की हिंसा कर रहे हैं, या फिर किसानों की आड़ में कोई अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल यही है और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी अब से थोड़ी ही देर बाद हमारे जुड़ेंगे, जिनसे सवाल जवाब करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक शव की जो है पहचान भी हो चुकी है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि पूरा मामला जुड़ा किससे हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि युवक ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअब्दी की थी और इस बात का भी संदेह है कि युवक का ये अंदाज धरना स्थल पर मौजूद निहंग सिखों को पसंद नहीं आया था और युवक को सबक सिखाने के उद्देश्य से उन्होंने इस दिल को दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद मामले में इस पर निहंगों पर शक गहरा होता है। और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि जिस वक्त पुलिस मौके वारदात पर पहुंची, वहां निहंगों ने खूब जमकर हंगामा किया। बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो गुरु ग्रंथ साहिब की बेकदरी को लेकर की गई इस हत्या की जिम्मेदारी निहंग समूहों ने ले ली और उसके बाद आज मुख्य आरोपी ने सरेंडर भी कर दिया, जिसको अब पुलिस ने 7 दिन की रिमांड पर ले लिया है। लेकिन जिस तरह से इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, उससे एक सवाल ये भी उठना लाजमी है कि वहां पर मौजूद किसी ने उस युवक को बचाने की कोशिश भी नहीं की गई, उससे किसी ने उसको ये नहीं कहा जो निहंग उस युवक को पीट रहे थे, किसी ने उसे रोकने की
कोशिश भी नहीं की। चलिए, जैसा कि मैंने कहा था कि चर्चा हम इस पर करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, इसलिए तमाम मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। किसान नेता सवित मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ भी जुड़ चुकी हैं, और अब से थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ेंगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर। सवित मलिक जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करूंगी। 11 महीने इस आंदोलन को होने जा रहे हैं, हो गए हैं बल्कि 11 महीने, कभी इस आंदोलन में हत्या हो रही है, कभी रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है, कभी किसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाते हैं, कभी किसी की पीट पीट कर हत्या की जाती है, और कल जो हुआ, क्या अब भी आप इसे किसान आंदोलन कहेंगे? पारुल त्यागी जी, जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है, निंदनीय है जी, और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, जो लोग दोषी हो इनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए जी। अब मैं आपको बता दूं कि जहां पर ये घटना हुई है वो धरना स्थल से काफी दूर है। मैं आपको बता दूं, जहां किसान बैठे हुए हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, जहां संयुक्त मोर्चे का मंच है, उसके बाद में कंटेनर लगाए गए हैं जी, कंटेनर के बाद में लोहे के बैरिगेट लगाए गए हैं, उसके बाद में सीमेंटेड दीवार की गई है, उसके ऊपर नुकीले तार लगाए गए हैं जो जानवरों के लिए भी प्रतिबंधित है, और उसके बाद सड़क में कीले ठोकी गई है, उसके बाद वहां पर फोर्सिंग तैयार है जो ड्यूटी देती है, उससे करीब 500 मीटर दूर दिल्ली की तरफ अंदर जी कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है जी। घटना की है और हम इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करते हैं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन ऐसी घटनाओं को लेकर, ये तो बड़ा, ऐसी घटनाओं को लेकर सवित जी, ये तो बड़ी अजीब बात हुई, आपने तो तुरंत पल्ला झाड़ दिया कि उनका किसान आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। एक बात बताइए, जब हमारे लिए तो इतनी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हमको अंदर नहीं जाने दिया जाता, उन लोगों को अंदर कैसे बैठा रखा सरकार ने? और हम लोग बहुत पहले कह चुके हैं कि इनका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, हमारे चारों तरफ तो बैरिकेड है, कीले लगाई हैं, तार लगाए हैं, और उनको आपने दिल्ली के अंदर बैठा रखा है। अरे आप ये बताइए, कोई भी घटना होती है आप किसान आंदोलन से जोड़ देते हैं, आप यानी यानी कि वो किसान नहीं है और ना ही आपके आंदोलन के आसपास हुई है ये घटना? क्या कर रही है आपकी सुरक्षा एजेंसियां, क्या कर रही है? पूरे दिल्ली का अगर ठेका किसानों को ही देना है तो आप सत्ता से इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है सवित जी, सवित जी, सवित जी, नेहा जी कुछ पूछना चाह रही है आपसे। बिल्कुल पूछे नेहा जी, नेहा जी बोलिए। मुझे बहुत हैरानी होती है जी, जी बहुत हैरानी होती है कि अगर हमारे कोई भाजपा कार्यालय में आके अंदर घुसता है और वहां पर कोई कुछ मचा सकता है या किसी को किडनैप लेता है या कहीं गोलीबारी करता है, किसी को किसी भी घटना को अंजाम देता है, तो क्या उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार नहीं होगी कि उनकी प्रेमिसेस में ये हुआ कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे? अगर एक बार कह सकते हैं हम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, कोई आया घुसा और उसके बावजूद हर बार किसान ही वहां पर मौजूद होते हैं, किसानों के बीच ही ये सब कुछ होता है और उनके मंच के बिल्कुल पास, या 400 मीटर या 200 मीटर या 100 मीटर, सिर्फ इतना दायरा होता है, ज्ञात नहीं होता, और फिर किसान से पल्ला झाड़ लेते हैं ये कह के कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। सब लोगों ने देखा 26 जनवरी को जिस तरीके से इनके आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी हुकूमत ने या कुछ ऐसे समूहों ने किसान अपने आप को कहते अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार आप बीजेपी को ठहरा देते हैं। अरे ये पूछिए इनसे, 26 जनवरी को लोग थे उनको ड्राइंग रूम में चाय इनका गृह मंत्री बैठा के पिला रहा था, वो प्रधानमंत्री के साथ थे। नेहा जी ये बताइए, जिस युवक ने झंडा फहराया वो आपके यहाँ चाय पीने क्यों गया था?
बताइए कि अगर आपसे नहीं वहां मंच संभलता कि आपके मंच पे कोई भी आ अरे जाता हम और तो कुछ भी मंच संभाल रहे हैं, आपका देश नहीं संभल रहा है। आप वो मंच आप हमको हमको बता रहे हैं, आप अपने गिरावाल में झांकिए, आप अपने पार्टी में देखिए कितने लुटेरे हैं, कितने गुंडे हैं, कितने बलात्कारी हैं, रेप कर जाता है किसी की। आपकी पार्टी में कितने बलात्कारी हैं सांसद महोदय, ये बता दीजिए। आप छोड़ दीजिए आंदोलन, आप ये बताइए, आप अपने गिरावान में जागे होते हैं तो आप वहां पर खाली बोलने से कुछ नहीं होगा। ये चुनावी भाषण नहीं है, या मुद्दों पर बात करिए, जवाब दीजिए। सवित जी मुद्दों पर तो आप भी बात नहीं कर रहे हैं, मुद्दों पर तो किसान भी बात नहीं करते। जवाब दीजिए। कोई भी मुद्दे पर किसान बात नहीं कर रहे इस वक्त, किसानों के आंदोलन की आड़ में जिन लोगों ने लोगों का चुनावी भाषण देते हो, मुद्दे पे बात नहीं करते हो, जो सवाल पूछे उसका जवाब आपके पास नहीं होता है। नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी रुक जाइए। नेहा जी लगातार बोलती रहेंगी, चुनावी भाषण देंगी, मुद्दे पे बात नहीं करेंगी। आप बोलिए, आप जो कहना चाह रहे थे फिर नेहा जी जवाब देंगी। नेहा जी आप सुन लीजिए, सवित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ये बताइए भारत की जनता को, नेहा जी भारत की जनता को ये बताइए, अपने गिरावान में जाकिए, आपकी पार्टी में कितने सांसद विधायक लुटेरे हैं, गैंगस्टर हैं, बलात्कारी हैं, उनके सारों का चिट्ठा दीजिए। रेप करने के लिए जवाब हम दें, आपका मंच यूज करा जाए लोगों के हाथ पैर काटने के लिए। आपके बस की सत्ता चलानी नहीं है, आप देश को नहीं संभाल पा रहे हो, जब भी पूरे देश को बेच रहे हो। आपके पास सवित जी, सवित जी अब कौन मुद्दे से भटक रहा है, अब कौन मुद्दे से भटक रहा है, जवाब दीजिए। आप खाली गप मारते हो। सवित जी आप जवाब दीजिए, आप एक भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती हो। सवित जी जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हैं, जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हैं। अरे ये लगातार बोले जा रही है, ना सुन रही है ना सुनने दे रही है, तो क्या जवाब दे इसको। जवाब एक सेकंड, पारुल जी ये कैसे बोल रहे हैं, मैंने नेहा जी आप रुक जाइए, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी आपको मौका दूंगी, आपको मौका दूंगी, आप रुक जाइए। चुनावी भाषण देने आते हैं ना, अपनी सुनते ना हमारी सुनते, बोले सवित जी सुनाइए आप, आज आप पहले अपनी ही सुना दीजिए। नेहा जी आपको समय पूरा दूंगी, पहले सवित जी की सुन लेते हैं आज। सवित जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने जितने भी वादे किए हैं सब हवा हवाई है, जितनी घोषणा की है वे सब हवा हवाई है। सवित जी अभी ना तो वादों की बात की जा रही है, ना योजनाओं की बात की जा रही है, आपको मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं। जब तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं है तो ऐसे ही बोलोगी। जवाब तो आपके पास भी नहीं है सवित जी, कोई जवाब नहीं है। आप ये बताइए, आपका गृह मंत्री जिसके ऊपर हत्या के मुकदमे है, सवित जी, सवित जी आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, पहले कल की घटना को लेकर बात कर लीजिए ना। आप ही मुद्दों से भटक रहे हैं, आप वादों की बात कर रहे हैं, आप योजनाओं की बात कर रहे हैं। जो चुनावी भाषण दे रही है इनको शांत कराइए, हम जवाब देंगे। नेहा जी, नेहा जी हमारे पास तो हर मुद्दे का जवाब है। नेहा जी एक बार सुन लीजिए, नेहा जी हम झूठ नहीं बोलते हैं। नेहा जी एक बार पूरी तरह सवित जी को सुन लेते हैं, ये बोलती रहेगी, इसको कुछ नहीं पता है। नेहा जी का नेहा जी आप रुक जाइए, नेहा जी आपको मैं पूरा समय दूंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। आप एक बार सवित जी की बात सुन लीजिए, क्या वो इतनी देर से कहना चाह रहे हैं, बोलिए सवित जी। वो जो भी कहना चाह रहे हैं गलत ही तो कह रहे हैं। आप सुन तो लीजिए नेहा जी, आप देखिए सवित जी, सवित जी को बोलने दीजिए, आप जवाब दीजिएगा बाद में जब आपको मौका दूंगी। आप एक बार सुन लीजिए नेहा जी, सही सुन लीजिए पहले। सवित जी बोलिए, ये लोग लुटेरे हैं, देश को बेच रहे हैं, ये हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, इनके मंत्री ने गुंडे ने अपने गुंडे भेज के किसानों को कुचलने का काम किया है। बोलो बोलो फिर बोलो। नेहा जी, नेहा जी मैं आपको समय दूंगी, नेहा जी आपको समय दूंगी, सुन लीजिए पहले। तुम्हारा मंत्री हत्यारा है कि नहीं है, उसका बेटा हत्यारा है कि नहीं है। अब अगर सवित जी अगर किसानों के लिए ये बात की जाए, क्या किसान नहीं कर रही है सब, क्या किसी को किसान नहीं पीट पीट कर मार रहे हैं? किसान नहीं किसी को मार रहा है। अरे आप मारने आओगे तो उसको प्रसाद देंगे क्या? नहीं, आपके किसान कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ भी घटना होती है किसान आंदोलन की आड़ में कुछ भी किया जाता है और आप सीधा पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो तो किसान थे ही नहीं, ना उस जगह पर वो घटना हुई थी। ये कौन सा तरीका है आपका? ये सरकार अगर नहीं संभाल पा रही है, पूरी दिल्ली की जिम्मेदारी हमारी है, तो अपने घर बैठ जाओ। अरे आप सरकार पर क्यों जा रहे हैं, एक बात बताइए, क्या सरकार ने कहा था कि इस तरह की घटना कराइए? आप
सरकार किसकी बार बार जिम्मेवारी है बार बार आप पूरी सरकार दुनिया पर की? आरोप लगा दे, कुछ आप नहीं तो होता, पूरी तो सरकार दुनिया को की हमारी, जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अरे हमारी जिम्मेवारी है तो आप क्या कर रहे हो बिल्कुल सत्ता से बाहर आपकी बैठो? अरे जिम्मेवारी है, आपके आंदोलन में खालिस्तानी आते हैं झंडे लहराते हैं, इसको आपके आंदोलन डिबेट ही में करनी नहीं आती, लड़कियों कहां पर से ले आए? रेप हो जाता है, आपके आंदोलन में 35 साल के लड़के के हाथ पैर काट के उसको वहां बैरिकेडिंग पे टंगा जाते थे, तूली पर अरे जीसस ये क्राइस्ट बताइए, को वहां टंगा दिया जाता है। ये वो तालिबान आपके लोग थे आपके यहाँ पर है और जिन्होंने क्वेश्चन कहा आप था, वो आपके प्रधानमंत्री लोग थे, जांच कराओ ना। नहीं मतलब सभी जी जो कुछ हो रहा है सिर्फ बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। हाँ बीजेपी कर रही है, आपके आपके किसान कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास तमाम सबूत है, दिखाइए कौन से सबूत है, फिर आप रखते क्यों नहीं है उन सबूतों को सामने? कोई सबूत नहीं है, सारे सबूत हैं। आप ये देखिए इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जो लाल किले पर झंडा फहरा रहा था, केंद्र के गृह मंत्री घर में चाय पिला रहे थे, उससे बड़ा सबूत क्या होगा? नई कहानी, चलो चलिए ठीक है ठीक है। सभी जी और नेहा जी, सभी जी और नेहा जी आपको यही रोकना चाहूंगी। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुची विश्वास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुची जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। सुची जी आपसे यही जानना चाहूंगी, कल जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ, आखिर कांग्रेस पार्टी कहाँ है, अब क्यों नहीं आवाज उठा रही कांग्रेस? पहले तो मैं माफी चाहती हूँ कि मैं थोड़ा देर में जुड़ रही हूँ, थोड़ा मैं सफरिंग फ्रॉम वायरल, तो आई एम रियली सॉरी आई मिस्ड मेनी ऑफ योर डिबेट्स, सो आई अपोलोजाइज। दूसरा देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से किसान एक लंबे समय से आंदोलनरत रहे, जब सरकार किसी भी तरह से इस शांतिपूर्ण आंदोलन को, चाहे वो टेरर फंडिंग, पाकिस्तान, खालिस्तान, बैरिकेडिंग, गड्ढा खोदना, लोनी विधायक की गुंडागर्दी, गाजीपुर बॉर्डर पर शौचालय और बिजली काट देना, जब सरकार ने सब कुछ किया, जब शांतिपूर्ण आंदोलन को किसी भी तरह बदनाम नहीं कर सुची सके। जी आप इसे शांतिपूर्ण ढंग से कह रही हैं, इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है, किसी को भी कभी भी मार दिया जा रहा है और आप इसे शांतिपूर्ण कह रही हैं? पता नहीं इनको कहां से शांति मिल रही है। दो मिनट दीजिए फिर आप अपनी बात, ठीक है आप रखिए। नेहा जी आप मत बोलिएगा बीच में। सरकार किसी भी तरह जब इस आंदोलन को बदनाम करने में असफल रही तो हिंसा पर उतारू हुई। आपने देखा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किस तरह किसानों का किसानों नेहा जी नेहा जी बोलने दीजिए, आपके पास आऊंगी। नेहा जी आप नेहा जी समय दूंगी, पहले बोलने दीजिए सुची जी को मंच पे हत्या हो रही है, आप लोगों के मंच पे लड़कियों पर रेप हो रहा है, आप लोगों के मंच पे जलाया जा रहा है, आप लोगों के मंच पे सब कुछ हो रहा है, तो हमारे नहीं है, हम बोलिए सरकार का काम है जहाँ पर क्राइम हो रहा है उसको रोकना, लेकिन इन लोगों ने तो इतनी गुंडागर्दी कर रखी है लखीमपुर में, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा बोला, लेकिन जैसे किसानों चार किसान इसके लिए आज अशीफ जो है गिरफ्तार है, तब कांग्रेस वहां पहुंच चुकी है, लेकिन चार और परे हैं, उन किसानों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? किसान की दुहाई देखे नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी आप जवाब ले लीजिए सुची जी से, रुक जाइए आप। पहले उनको खुद ही बोल रही है, मुझे ये बताएं लखीमपुर में चार किसान तब मरे हैं, तो आशीष को गिरफ्तार किया गया, अंकित दास को गिरफ्तार किया गया, हमने भाजपा ने कर पाया, अब जिन किसानों ने चार भाजपा के कार्यकर्ता और एक जो है तीन भाजपा के कार्यकर्ता उनको सजा क्यों नहीं मिल रही, वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है, उसके लिए कांग्रेस क्यों नहीं कुछ बोल रही, उसके लिए किसान करके उन किसानों को भी जेल होनी चाहिए, ऐसे किसान कहीं भी किसी को भी मार दो, क्या वो भाजपा के कार्यकर्ता थे, कोई इंसान नहीं थे, क्या उनका खुद था, उनके बाल बच्चे नहीं थे, तो इतनी छोटी उम्र के जिन कार्यकर्ताओं कहा है, एक बार किसी कांग्रेस कार्यकर्ता या प्रवक्ता या अध्यक्ष ने या किसी ने भी या इनकी सोनिया गांधी जी ने भी एक बार की बात नहीं करती कि वो ही मतानों की जेल होनी चाहिए, उन मासूमों की हत्या की है, नेहा जी संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिए। अरे तो बताइए संसद में और आप लोगों का प्रॉब्लम ये है
जिस दिन और दूसरा जिस दिन हम संसदीय भाषा बोलेंगे ना उस दिन आपको प्रॉब्लम तो नहीं चाहिए और तब आप कुछ बोलेंगे ना। नेहा जी और सुची जी आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। देखिए किसी की बात समझ नहीं आ रही है, ना तो जनता को समझ आएगी और ना ही मुझे समझ आएगी अगर आप इसी तरह दोनों बोलती रहेंगी एक साथ। और नेहा जी आपको मैं समय दूंगी, आप थोड़ी सी प्लीज दूसरे की बात सुना करिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं समय दूंगी। सुची जी आप बोलिए, आप अपनी बात खत्म कीजिए। अरे ये कहां से पकड़ रहा है, मेंटली डिस्टर्ब, इसका स्क्रू ढीला है। नेहा जी की सारी प्रवक्ता होने के नाते आप अपनी समित जी ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप, किसी महिला के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे क्या आप? वो जब वो पूरी डिबेट खराब कर रही है, ना किसी की सुन रही है ना अपने बता रही है, तो क्या करोगे? तो आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं, उसका स्क्रू ढीला है थोड़ा दिमाग का। समित जी इस भाषा का इस्तेमाल ना ही करिए तो ही ठीक होगा। सुची जी बोलिए। देखिए साथी प्रवक्ता सभी अपने सम्मानित दल के प्रतिनिधि हैं, लेकिन एक दूसरे को डिग्निटी बनाए रखें और एक दूसरे के विचार का सम्मान करें। अगर नेहा जी असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करेंगी या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगी तो अराजकता को प्रभावित करने पड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भूखा अखंडता के प्रति क्या कल्चर है उसके लिए मुझे इतिहास भूगोल में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसानों के आंदोलन को लेकर बदनाम करने के उद्देश्य से जितने भी हथकंडे भारतीय जनता पार्टी ने अपनाए, शीतकालीन सत्र को रद्द करके ध्वनि मत के माध्यम से विपक्ष के नेताओं को बहिष्कार करके जिस तरह ये काले कानून पास किए गए हैं, तो ये तो तय है कि या तो सरकार को गद्दी छोड़नी है जी, और या फिर हो रहा है देश में। सुची जी कम से कम इस मौके पर तो राजनीति करना छोड़िए, ये वास्तविकता है, ये राजनीति नहीं है। राजनीति वो है जो नेहा जी कर रही थी, मतलब आपकी पार्टी कोई राजनीति नहीं करती, आपकी तरह ये जो विपक्ष है आप हो गए या और विपक्ष की पार्टियां हो गई, आप ही इस तरह के आंदोलनों को बढ़ावा दे रहे हैं, जो घटना हो रही है आप ही लोग बढ़ावा दे रहे हैं इनको। ये वही सरकार है जो किसानों की आय को दोगुना करके वादा करके आई, आज क्या है किसानों की आय आधी हो गई और पूंजीपतियों का मुनाफा चार गुना हो गया है। तो ये क्रोनी कैपिटलिस्ट की सरकार है, उनके हितों में सारे फैसले लिए जा रहे हैं। कानून पास होने के पहले सरकार ने गोडाउन बनवा दिए और अभी भी सरकार मुंह छुपाने के बजाय बहस कर रही है। साफ साफ जो गाड़ी चढ़ाई है तेनू बाबू के लड़के ने, आपने वो विंडोज नहीं, नहीं ठीक है गया। ठीक है सुची जी, ठीक है कि किसी ने भी गाड़ी चढ़ाई, अगर मान लीजिए कि जो आप कह रहे हैं कि अजय मिश्रा के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी आशीष ने, तो क्या किसानों ने नहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर मारा था? उनके बारे में क्यों नहीं आप बात करते, उनकी सजा के लिए क्यों नहीं बात करते? बिल्कुल बात करेंगे। गाजीपुर बॉर्डर कहाँ बात कर रहे हैं, आपकी तो एक आवाज नहीं सुनाई आई आपकी पार्टी की, ना तो प्रियंका गांधी ने ही कुछ बोला और ना ही राहुल गांधी ने ही बोला, ना वो मिलने गए उनके परिवार से। मिलने के लिए प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, अमृत महोत्सव मनाने आए थे, बीजेपी कार्यालय भी जाना चाहिए था। बंगाल में हिंसा हुई तो ट्विटर पे हाईलाइट हो रही है, किसानों की 600 से ज्यादा शहादत हो गई, तो इतनी देर तो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, कुर्सी आई टी संस्था, ट्विटर वाले टॉप स्टार का एंगल लाते हैं, फोर स्टार का एंगल लाते हैं, गड्ढे खोदते हैं, बैरिकेडिंग लगाते हैं, शौचालय काटते हैं, बिजली पानी काटते हैं, और लोनी के विधायक 2000 की मौजूदगी में सरकार गंडा करती खामोश है, तो ये प्रशासन। अरे आप भड़काओ वायरल वीडियो होते हैं जिनकी सीएम का प्रोग्राम होता है, खामोश नहीं है, ये कौन सा गुड गवर्नेंस है? चलिए ठीक है सुची जी, ठीक है सुची जी रुक जाइए, नेहा जी बोलिए। किसानों को मारा है उनको सलाखों के बीच, और बिल्कुल हमारी सरकार ने तो किसानों ने उनको आज भाजपा के कार्यकर्ताओं और एक पत्रकार को मारा है, तीन कांग्रेस की जिसमें जमीन हुई है उनके कार्यकर्ताओं की किसानों ने लाठियों से डंडों से तलवारों से मार मार के हत्या करी। एक पत्रकार जो वहां क्या था, पत्रकार की कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था ना, सिर्फ उसको किसानों ने मारा क्यों, उसके उसके हाथ पैर काटे, मतलब उसको बिल्कुल चौक चौक कर देना, आप लोग तो तालिबानी किसान। और
साथ मत खड़ा है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी चलन रहा है उसके वहां किसानों को, दलित को पीट पीट कर, कल किसानों ने दलित को पीट पीट कर मारा है, उसके हाथ भी काट दिए, पैर भी काट दिए, खून खून, और ये काम ये लोग करते रहे हैं 2-3 घंटे तक लाश को, लेकिन किसान ने कंप्लेंट नहीं कर बोला कि आइए और ले जाइए इसकी लाश ना, अब भी शायद वो जिंदा था। 3 घंटे तक लोग बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि वो बेचारा तड़पता रहा, हाँ उसका ब्लड जो है लिटरली बहता जा रहा था, और बस डिमांड कर रहा था मुझे बचा लो, मतलब गलती से माफ कर दो या जो भी था, लेकिन समझ नहीं आता कि किसान कैसे हो सकते हैं कि उनको आदमी का दर्द नहीं सुनाई दिया या दर्द नहीं दिखाई दिया। आप हम लोग को तो वहां पुलिस को आने ना भाजपा भी कार्यकर्ता आ सकता है, मुझे किसान ने धमकी दी थी मंच पे बैठ के, एक बार आके किसान आंदोलन से दिखाओ। अरे भाई हमको पता है, पहले भी लड़की ने गलती पास से निकलने की कोशिश की थी तो किसानों ने चेक कर दिया था, तो हम बेवकूफ तो हैं जो आपके आंदोलन में बीच में आएंगे? वो बेचारे जो मासूम लोग जिनको परेशानी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ताड़ा है, यही कहा है कि आप बताइए ये कैसा आंदोलन है जिससे आम जनता हद से ज्यादा परेशान होती है। जिस इंसान का रोज का आना जाना था बॉर्डर से, अपने यहाँ जॉब करने को दिल्ली में आता था, दिल्ली से पंजाब या चंडीगढ़ फिर सरकार क्यों नहीं कोई रास्ता निकाल रही? सरकार आम जनता नहीं, आम जनता को किसान मारेंगे, इसका मतलब अगर सरकार उनकी कोई बात नहीं सुनेगी तो आम जनता को लहू लुहान करेंगे, लड़कियों पर रेप करेंगे और औरतों को नहीं, सरकार कोई रास्ता क्यों नहीं निकाल रही है, सरकार बातचीत क्यों नहीं कर रही है? सॉल्यूशन बातचीत कितनी बार तो 11 टाइम की बात में यहाँ बैठे हुए हैं जो मलिक साहब, बता दीजिए 11 बार की वार्ता में एक एक डिमांड मानी है या नहीं मानी सरकार ने, लेकिन उसके बाद अड़ियत रवैया इन्होंने अपनाया की वजह से इनका खुद का एक किसान जो है उसने जलकर आत्महत्या की, जिस पर कहा कि नहीं वो तो एक्सीडेंटल था, जबकि मरा उसने खुद सुसाइड नोट में लिखा कि मैं आत्महत्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अड़ियत रवैया अगर सरकार का है किसानों का भी रवैया है वो नहीं सोच रहे हैं, और ऐसे सॉल्यूशन निकल मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही कि मैं आत्महत्या करता हूँ। आप बताइए किसान अंदर खुद पर शक, वहां पे जो जेन्युइन किसान है, लेकिन नेतागिरी वाले किसान है वहां बैठ के सिर्फ नेतागिरी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, जान के उनको बस रिपीट करना है, लेकिन अब क्रेडिबिलिटी किसान हो चुके हैं जनता के बीच में, जनता पहली ठीक है अब अच्छी तरह से नहीं देख सकता। नेहा जी ठीक है, अब मैं सविद जी आपके पास आना चाहूंगी। आज राकेश टिकैत का एक बड़ा ही अजीब बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि आंदोलन में अगर कोई घटना हो जाए तो क्या कर सकते हैं। अब आप एक इंसान होने के नाते बस ये बताइएगा, क्या सिर्फ ये घटना थी? देखो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं हो, फिर भी जान बांटने आ जाते, जो आज तक धरना स्थल नहीं देखे हैं, वहां की सिचुएशन नहीं पता है, वहां पर कहां बैरिकेड है ये नहीं पता है, कैसे वार्ता हुई ये नहीं पता है, वार्ता में क्या हुआ ये नहीं पता है, और ज्ञान बांटने के लिए आ जाते हैं। सविद जी पहले मेरे बात का जवाब दे दीजिए, क्या ये सिर्फ एक घटना थी? राकेश कहते तो जा रहा हूँ जी, मैं आपको और बता दूं, अगर 11 दौर की 12 दौर की बात हुई है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी, सार्वजनिक कर दीजिए, पता लग जाएगा सरकार झूठ बोल रही है कि किसान। अरे हम लोग तो इनसे बात करना चाहते हैं, इन लोगों ने हमारे लिए कीने लगाई हुई है, और अगर आज भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था उसमें ये बातचीत करने नहीं आए, एक फोन कॉल दूरी पर ये कहा है, और हम आज भी कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर आप बात करना चाहते हैं उनको सड़क पर बैठे हैं, ना कुंडी है ना दरवाजा है, आइए बात करिए, और अगर आप बात करना चाहते हैं ये बताइए कि कहां पर हमको आना है, हम बात करने के लिए वहां आएंगे। अरे हमको तो आने नहीं देते वहां पर अंदर, और खुद आते नहीं हो तो बात कैसे हो जाएगी, और तरह तरह के आरोप लगाते हैं। अरे जो इनका गुंडा मंत्री है उसको गृह मंत्री बनाए हैं, जिसके ऊपर हत्या के आरोप है, जिसका लड़का गाड़ी से कुचलने का काम करता है उसको बचाने के लिए ये तरह तरह के अंडे बनाते हैं। बेटी को इल्जाम आपने लगाया वो जेल में है, वो लोग हैं जिन्होंने किसान को रात के अंधेरे में बेचने का काम किया है, ये वो लोग हैं जिसने किसान के अन्न को उद्योगपतियों को हवाले करने का काम किया है,
ये वो लोग हैं जिन्होंने देश की मंडी बेचने का काम किया है। सवित जी, सवित जी, यानी कि किसानों की छवि एकदम साफ है, किसान कुछ नहीं कर रहे, जो कर रही है सिर्फ सरकार कर रही है। अच्छा, इनसे पहले ये पूछ लीजिए, ये हम किसान हैं कि आतंकवादी है, ये आज तक ये तो फैसला नहीं कर पाए। नहीं, अगर ये नहीं, आप उनकी छोड़िए, अगर किसान है तो क्या ये वही किसान है जो खेतों में फसलें काटते हैं? वही किसान इस तरह की हरकत करेंगे क्या? अगर किसान है तो, अगर किसान ने हरकत नहीं की है, आंदोलन से बाहर की हरकत ही की है, तो जबरदस्ती उनको कैसे लपेट रहे हैं? अरे जो सरेआम दिख रहा है, गाड़ी से कुचल रहा है, उसको तो आप पकड़ नहीं पा रहे। अरे सभी किसानों ने भी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा था, आप उनकी क्यों नहीं बात करते? आप उनकी क्यों नहीं बात करते? किसानों ने भी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीटा था, नहीं थे क्या वो किसान? आप कह दीजिए नहीं, आप इस तरह से हर बात से पल्ला झाड़ रहे, आप कह दीजिए कि वो किसान नहीं। अब तक जो कुछ भी हिंसा हुई उसमें किसान थे ही नहीं। कुछ नहीं पता, आता जाता नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गई। सभी जी बात कर रही हो, आप गलत, यहाँ शांति से बात करो, हमने तुम्हारे बीच में नहीं बोला है। जब मौका मिलेगा अपनी बात रखना, या तो तुम ही बोल लो या हमारी बात का जवाब दे दो। सभी जी अभी बोले जा रही हो, गप्पू हो क्या? गप मारने के लिए आई हो क्या? सभी जी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो? एक महिला के लिए आदत है, ये गप्पू है सारे के सारे, गप मारते हैं, एक भाषा का इस्तेमाल इनका सही नहीं है। एक महिला के लिए इस तरह के शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी तो शर्म कीजिए। महिला भी तो गप मार रही है, तो वो आपको तो ये झूठ बोलते हैं। ए टू जेड पूरी पार्टी झूठ बोलती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है। ये देश को गुमराह करने का, फिर आपने क्यों सरकार बनाई इनकी? क्यों बीजेपी की सरकार बनाई आपने? आप ही लोगों ने तो वोट किया था। अगर आज इतनी नाराजगी है, वोट तो आप ही लोगों ने किया था। अरे इन्होंने हमको धोखा दिया, हमारे कंधे पे पैर रख के सत्ता में पहुंचे, ये हमारे मंच पे आते थे, ये हमसे वोट के लिए मांगते थे भी। तो ठीक है सवित जी, अगर इतनी नाराजगी है तो विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, दिखा दीजिएगा फिर थोड़ा तो। हम इनको वोट की छोड़ देंगे, बंगाल में दिए। हाँ तो ठीक है, दीजिएगा, लेकिन इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल मत कीजिए। दीजिएगा, मत वोट कीजिएगा। जब अपना पक्ष रख लिया, हम बोले नहीं है तो हमारे बीच में बार बार क्यों बोलेंगी वो? चलिए ठीक है, उनसे उनका फोन भी कट गया, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आप ही बोलिए, बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा। देखो, किसान शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है, अगर हम कोई गलत कर रहे हैं, भारत का कानून है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है, पवित्र आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इनका आदेश है कि इनका अधिकार है, लोकतंत्र में आंदोलन कर सकते हैं। अगर इन्हें हमसे कोई दिक्कत है, वहां गलत काम हो रहा है तो उसको रोकिए, अगर हम आतंकवादी हैं तो गोली मारिए, लेकिन बदनाम करने का प्रयास मत कीजिए। नहीं सवित जी, अगर रोकेंगे तब भी आप सरकार को घेरेंगे, तब भी आप सरकार पर आरोप लगाएंगे। अगर अब एक बात बताइए, अगर किसान इतनी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, फिर सिंगू बॉर्डर खाली कराने के लिए क्यों मांग की जा रही है? अरे वो तो दुनिया मांग करती है, हम भी तो मांग कर रहे हैं, बिल की अपना अपना अधिकार है सबका। जिसको दिक्कत हो रही है वो रोड खोलने की बात कर रहे हैं, हम भी कहते हैं रोड खोलिए। अब रोड किसने रोका है आप ये बता दीजिए? सरकार ने रोड रोका है, ब्लॉकिंग उसने किए हैं, गड्ढे उसने खोदे थे, नुकीले तार उसने लगाए हैं, कीले उसने गाड़ी है, कहते किसान ने रोका है क्या रोड? चलिए ठीक है, इन लोग ये लोग ऐसे ही तो डिबेट में आते हैं, जिनको एबीसीडी पता नहीं है किसने क्या किया है, आके चुनावी भाषण देते हैं, लगातार बोलते हैं, अपनी सुनते नहीं, दूसरे की बताने नहीं देते। चलिए ठीक है सवित जी, सुची जी भी बहुत देर से हमारे साथ बनी हुई है। सुची जी देखिए, इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस तालिबानी सोच के साथ है। देखिए बीजेपी तो खुद ही फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो हिटलर के नाजी के ही वंशज है, अब तो सावरकर को राष्ट्रपिता बनाने की राह पे चल रहे हैं। तो जो गोडसे के उत्तराधिकारी हैं, जो का रास्ता अपनाते हैं, अभी पहलू खान अखलाक शंभूला लेबर को उदाहरण नहीं दूंगी, अभी जो चूड़ी वाले को मारा है कपिल खान, हजारों उदाहरण है, रासुका लेके एनकाउंटर पॉलिटिक्स पर रोको नीति तक, और उससे ना तसल्ली हो तो टेनी बाबू के लड़के का कारनामा देख लीजिए और फिर पुलिस वालों की उसके प्रति आवभगत देख लीजिए। तो 7 बरस से एक तालिबानी और तानाशाही और निजामी सरकार को देश के किसान, देश के जवान और देश के नौजवान और हम लोग आधी आबादी के तौर पर झेल रहे हैं।
पहले राफेल की दलाली एचएल को कंगाल किया, फिर जियो को खड़ा किया, बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, फिर कोयले के खदानों में जब ये प्राइवेटाइज किया है और अब कोल का संकट हमारे सामने है, तो इस सरकार के काल चरित्र का चेहरा है कि आपदा में अवसर है, पहले कंगाल करो फिर बेच दो। तो देश की खेती किसानी को पूंजीपतियों के चरणों में रखने की प्रक्रिया वो काले कृषि कानून है और उसकी राह में कांग्रेस खड़ी है, क्योंकि कृषि प्रधान देश है, 70% आदमी की आय का ये जरिया है, तमाम लोगों की रोटी का माध्यम है, बाकी तो ये निरंकुश सरकार है। मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि दुगनी आय का वादा किसानों से करके आए थे, किसानों की आय तो आधी रह गई, कृषि उपकरणों को भी 18% जीएसटी लगा दिया, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ गए, उससे भी प्राकृतिक आपदा से अगर बच भी गए तो आवारा पशु की समस्या इतनी जबरदस्त है गाँवों में, गन्ना का भुगतान नहीं है, किसान तो वैसे ही परेशान है। उसके बाद शीतकालीन सत्र रद्द करके तीनों काले कानून ध्वनि मत पास किए तानाशाही तालिबानी सरकार ने, और अब ये ज्ञान देने के लिए बोर्ड से उत्तराधिकारी चैनल पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा सरकार करती क्या है, अयोग्य और नाकारा कृषि मंत्री, दर्जनों बार किसानों के साथ वार्ता विफल रही, एक उनकी फर्जी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आंदोलन को बदनाम करने के लिए पॉप स्टार पोर्न स्टार खालिस्तान एंडल निशंक सिंह लाल किले की घटना, तमाम सारे प्लांटेड इवेंट, बाकी केंद्र के गृह मंत्री कितने काबिल और बुद्धिमान है उनको मुझे कुछ नहीं करना, गृह मंत्री बहुत योग्य है, उसके बाद आपके जो पेट्रोलियम वाले हैं वो भी बहुत योग्य हैं, और ये जो कृषि मंत्री है उनके बारे में मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि जब लंका में सारे 52 गति हैं तो आखिर किसको कहा जाए। तो इस सरकार को ना कोई शर्म है और ना इसकी कोई ऑथेंटिसिटी है, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से और गलत क्या है इसको साबित करना मुश्किल है, हम लोग तो प्रवक्ता है भी अध्ययन करते हैं, सामान्य आदमी के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आंदोलन को बदनाम करने के अलावा कुछ नहीं। और उसके बाद गुंडागर्दी का चरम गाजीपुर बॉर्डर पर जो हुआ, लोनी का विधायक 2000 पुलिस बल की मौजूदगी में जी, क्या गुंडागर्दी किसान नहीं कर रहे, किसान गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी ये जो 6 लोगों पे, देखिए आप किसी को लगातार दबाते जाओगे, आप गड्ढा खोदोगे, आप शौचालय बंद कर दोगे, आप पानी मिटा दोगे, आप टेंट उखाड़ दोगे, आप बैरिकेडिंग लगा दोगे, आप उसमें, और उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि आपकी आरती उतारी जाए। भाई क्रिया और प्रतिक्रिया का न्यूटन थर्ड लॉ है साइंस के मुताबिक, मैंने तो नहीं बनाया, न्यूटन ने बनाया था, तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया है। मैं जस्टिफाई नहीं करती किसी भी प्रकार की हिंसा को, लेकिन किसी अत्यधिक आग्रह तिरस्कार को जन्म देता है, और आप अन्नदाता का लगातार तिरस्कार कर रहे हैं तो थोड़ी प्रतिध्वनि आप तक आएगी। अभी भी समय है सरकार चेत जाए, अपने तीनों कानून वापस ले और किसानों के हित में फैसला करे, लेकिन सरकार के ऊपर अंबानी और अडानी का इतना दबाव है, टोनी कैपिटलिस्ट का इतना दबाव है कि सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं। तो अब जो हो रहा है वो हम आप सब देख रहे हैं, भयानक अराजकता है, आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। आप क्या समझती हैं जो ये जो हजारों लाखों किसान अपना खेत छोड़ छोड़कर, तमाम महिलाएं तमाम लड़कियां आंदोलन में पड़े हैं, तो वहां क्या सुख दिन है उनके? जो लोग वहां आंदोलनरत है वो प्रतिदिन किस प्रकार के हालातों से गुजर रहे हैं आपको इसका अनुमान ही है, और हमारा बैठकर हिंसा, और वो अभी बता रही थी कि जेन्युइन किसान, बीजेपी की जो महिला प्रवक्ता थी, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मुझे नहीं लगता उनको धनिया और पुदीने के बीच का अंतर पता है, उन्हें मालूम है रबी और खरीफ क्या है और किसानों के आगे चैलेंजेस क्या है। आपको नहीं लगता जो इस पूरे किसान आंदोलन में ये हिंसा जगह जगह हो रही है, कितने लोगों की जान जा रही है, इसके पीछे राजनीति जिम्मेदार है, क्योंकि आपकी जैसी तमाम पार्टियां इनको समर्थन दे रही हैं, बल दे रही हैं, इसीलिए और ज्यादा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, इसके पीछे सरकार की अहंकार और भटधर्मिता है, सरकार की वाहियात जिद है, मोहम्मद बिन तुगलक जैसा फैसला है। लोकतंत्र में सरकार जनता से चुनी जाती है, और आप किसानों ने आपको चुन के खड़ा किया, आपने उनके सीने पर ही रोटी भी चढ़ा दिया, तो ये सरकार का अहंकार है, सरकार की भट है, ये सरकार की अविवेकी अदूरदर्शी नीति है, जिसका सामना हजारों और लाखों लोग कर रहे हैं, और लाखों परिवार इस त्रासदी का शिकार हो रहे हैं। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रही जिनको हिंसा में मारे गए या जो हिंसा में लगातार शामिल, उसके अलावा तमाम लोग अपना परिवार, अपनी बेटी, अपनी बीवी लेके वहां पड़े हैं, उनके खेत खाली पड़े हैं, कहीं पानी नहीं, कहीं फसल नहीं, तो लोग संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनके आगे जीविका का संकट है।
और इस निरंकुश सरकार को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन सुची जी एक बात बताइए, जितनी अब तक आपने बातें की, आप लगातार समर्थन कर रही हैं इस आंदोलन का, लेकिन जिस तरह से ये आंदोलन चल रहा है कृषि कानूनों को लेकर, वो तो अभी लागू ही नहीं हुआ है, तो फिर सरकार को दिक्कत क्या है वापस लेने में? नहीं, जब लागू होगा, जब लागू होगा तब सरकार जो है, मैंने कहा आपको एक लाइन हुई, अत्यधिक आग्रह तिरस्कार को जन्म देता है। सरकार किसानों को थकाना चाहती है, थकाना चाहती है, गिराना चाहती है, दबाना चाहती है। और ये भारतवर्ष का किसान से बना देश है, 70-75% लोगों की डायरेक्ट रोजी रोटी किसानी से जुड़ी है। कहाँ है रोजगार, क्या हालत है बेरोजगारी की? अभी कोविड के लॉकडाउन में क्या हुआ, एमएसएमई की दुर्गति आपने देखी, स्टार्टअप की तबाही आपने देखी, एंटरप्रेन्योर्स की स्थिति आपने देखी, करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार गवा दिए, पेट्रोल डीजल के हालात आप देख रहे हैं, सिलेंडर का प्राइस आपको मालूम है। अगर खेती किसानी पर पूंजीपतियों का कब्जा हो गया तो प्रधानमंत्री जी जो ये नकली सपने झूठे वादे दिखाकर आए थे, 70% लोग अभी 80 करोड़ लोगों के पास 5 किलो चावल 1 किलो चना है, कटोरा हुआ देश में। चलिए ठीक है, ठीक है सुची जी, तो ये आंदोलन ये वापस होने चाहिए और किसानों को राहत होनी चाहिए, ये जेन्युइन है। चलिए ठीक है सुची जी, सविच जी आपके पास आना चाहूंगी। कल जो पूरा सिंगू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसकी किसानों ने जिम्मेदारी सरकार पर दे दी, किसानों ने आरोप लगा दिया कि सरकार ने साजिश की है, पैसे देकर ये कराया है। देखो त्यागी जी, हम लोग देश के सेवक हैं, हमारे लड़के और भाई देश के बॉर्डर पर सुरक्षा करते हैं और किसान देश का पेट भरने का काम करते हैं। हम लोग हमेशा देश के लिए काम करते हैं। जिसके साथ ये घटना हुई है वो भी हमारे परिवार का हिस्सा था, वो दुखद घटना है। और हमारे 700 प्लस किसान शहीद हो गए हैं, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से विचार करना। और इस सरकार के किसी भी जिम्मेवार आदमी ने आज तक उन किसानों के ऊपर एक भी शब्द नहीं बोला जो हमारे किसान शहीद हो गए। तो सरकार हमको विरोधी मानकर काम कर रही है या अपना दुश्मन मानकर काम कर रही है? यही वो लोग हैं 2012 में इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के मंच पे आए थे और वोट देने की अपील की थी और कहा था कि ये सरकार आप लोगों के लिए सही काम नहीं कर रही, हम आपकी मदद करेंगे। किसानों के कंधे पर पैर रख के सत्ता में पहुंचे हैं और आज हमको अपना विरोधी मानते हैं। आज ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार हो गई है, गरीब मजलूम किसान बेरोजगार इन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि जब कोरोना काल में पूरा देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, GDP माइनस में जा रही थी, किसान ने 3.5% की ग्रोथ दी, तो इनके उद्योगपति मित्रों की नजर खेती पर पड़ी और इन्होंने रात के अंधेरे में किसान को बेच दिया। उनको कोरोना काल में पिछले दरवाजे से अध्यादेश लाकर ये बिल लागू कर दिया। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारी सरकार से हुई हैं। इन्होंने कहा कि आप इसमें काला बताइए क्या है, किसानों ने 50 पॉइंट बताए जिसमें इन्होंने 18 से 22 बदलाव करने की हां करी। तो इनको बार बार बताएं हम क्या है, अब जब ये खुद ही कह रहे हैं कि हम 18 बदलाव करते हैं यानी कि कहीं गड़बड़ है, कुछ गलत है, जबकि तो कर रहे हैं। और मैं इनके प्रवक्ताओं को बार बार बताता हूं, अध्याय 3 भाग 2 पॉइंट नंबर 4 पर स्पष्ट लिखा है, SDM का फैसला आखिरी फैसला होगा जिसका बल डिग्री के समान होगा और जिसकी वसूली भू राजा उसके द्वारा की जाएगी। उसका मतलब होता है किसान की जमीन छीन ली जाएगी, नीलाम कर दी जाएगी। हम इनको कब तक बताएं कि मंडियों में, सरकारी मंडी में मंडी टैक्स लगता है, बाहर टैक्स नहीं लगता, तो काफी अंतर आ जाता है। और जो हमारा भंडारण की क्षमता है, जब पूरा अनाज उद्योगपतियों के कब्जे में हो जाएगा तो हमारे देश की जनता को कहां से अनाज मिलेगा? आज तो फ्री में बांट रहे हैं लेकिन फिर अनाज मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी जो लड़ाई है वो मुद्दों की लड़ाई है, लेकिन उस आंदोलन को कमजोर करने के लिए, किसान को हराने के लिए इस सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। ये चाहते हैं कैसे भी शाम धन भेंट कैसे भी करके किसान को उसके घर भेजा जाए और इनको रोंदने का काम तो किया जाए। सविच जी ये तो वो वाली बात हो गई, अब कुछ भी होगा, नाराजगी आपकी सरकार से है तो आप हर चीज के लिए जिम्मेदार बस सरकार को ठहरा देंगे, चाहे गलती किसी की भी हो। जी हमने उनको वोट दी है,
हमने सरकार बनाई है तो नाराजगी किससे जताए, आपसे जताए? लेकिन हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना भी तो ठीक नहीं है। नहीं, उनकी जिम्मेवारी है, उन्होंने कहा था हम किसान की आय दुगनी करेंगे, अब 22 आने वाला है, किसान की आय तो 38 से 40% माइनस में चली गई है। ठीक है, आपकी, आप अभी जो कह रहे हैं आपकी सारी बातें ठीक है, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जिस तरह से कल की घटना को लेकर भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सरकार ने पैसे देकर ये कराया, सरकार आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, तो क्या सिर्फ सरकार ही सब कुछ कर रही है, आपकी किसान कुछ नहीं कर रहा है? किसान लगातार शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन कर रहा है, अपने यहाँ पर कोई गतिविधि गलत होती है उस आदमी को पकड़कर तमाम बार पुलिस को सौंपा गया है, उस किसी भी एक शख्स का आज तक सरकार ने ये नहीं बताया कि हमने उसके ऊपर क्या मुकदमा लिखा है, क्या कार्रवाई हुई है, क्योंकि वो जितने लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लोग होते हैं, उनको बचाने का काम किया जाता है, किसान को बदनाम करने का काम किया जा रहा है, किसान की नस्ल और फसल को बेचने का काम किया जा रहा है, ये बर्बाद करना चाहते हैं, ये उद्योगपतियों की सरकार लाना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ेगा जब तक उसके लेकिन मांगे पूरी नहीं होगी, अपने हक की लड़ाई लड़िए, लेकिन ढंग से तो लड़िए कम से कम, ताकि कल को जब ये आंदोलन खत्म हो तो आप पर किसी भी तरह के कोई आरोप ना लगे। जी पारुल जी, आप बता दें या सरकार हमको बता दे कि ढंग में कैसे लड़ाई लड़ी जाती है, कोई एक रास्ता आप लोग हमको सुझा दीजिए, नहीं इससे हमारा समस्या का हल हो जाए। नहीं, आप ही बताइए, आप कहते हैं बार बार, आप ये कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हम कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर इस तरह की घटना को कौन अंजाम दे रहा है? आप नहीं, बस आप मुझे ये बताइए है कौन जो ये सब कर रहा है, ये बार बार जो हिंसा होती है, बार बार किसी को भी मार दिया जाता है, किसी के साथ रेप कर दिया जाता है, किसी को पीट दिया जाता है, आखिर ये है कौन? पारुल जी, कहना बहुत आसान होता है लेकिन 11 महीने लगातार आंदोलन चलाना नहीं ठीक है। आप बस ये बताइए कौन ये, आप बताइए कौन ये है? ये वो लोग हैं जो आंदोलन करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, किसान को बर्बाद करना चाहते हैं। हम कहते हैं जो भी ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, कोई भी किसान संगठन उनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। और दूसरी बात रही कि हमारे पास क्या रास्ते हैं, हमारे पास लोकतंत्र में दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता आंदोलन का रास्ता है, दूसरा रास्ता वोट का रास्ता है। आंदोलन हमारा लगातार जारी है और इसके बाद जहां जहां चुनाव आएगा वहां हम इनको वोट की चोट देंगे, जैसे बंगाल में भी है। यानी कि सभी जी, आपका आंदोलन जारी रहेगा और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हिंसा होती रहेंगी? अरे आप तो बीजेपी की प्रवक्ता की तरह बात कर रही हो। मैं बीजेपी की प्रवक्ता नहीं हूँ सभी जी, जहाँ गलती आपकी है वहाँ मानिए अपनी गलती, आप मानिए अपनी गलती। आप तो ये भी नहीं कह रहे, आप तो सीधा हर चीज में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आपकी नाराजगी है सरकार से, लेकिन आप किसानों को भी तो देखिए। पारुल जी ये बताइए, आप घर में बैठिए, आपके घर के बाहर सड़क पर एक्सीडेंट हो गया, वो जिम्मेदारी आपकी है कि वहाँ जो चल रहा था उसकी है? नहीं, आप ये बताइए क्या वहाँ किसानों की गलती नहीं थी? ठीक है, जिसने गाड़ी चढ़ाई गलती थी, उसको पुलिस हिरासत में भी लिया गया, गलती थी, लेकिन क्या वहाँ किसानों की नहीं थी गलती? किसान के पास जब बैरिकेड लगा के किसान को रोक दिया, किसान उधर जा नहीं सकता, तो किसान की कैसे गलती? आप एक पॉइंट बता दीजिए, या तो वो बैरिकेड हटवाइए, किसान उधर चला जाए, किसान जाके रोक दे, भैया आप इनको ना काटो ना मारो, आपकी फोर्सेज तो उसको रोक नहीं पाई। और हम जो हमारे लिए नुकीले तार लगे हैं, कीले गड़ी है, हम उस वक्त कूद पे कैसे चले जाते, हमको पता है उधर क्या होने वाला है। अरे किसान को बदनाम करने का काम आप लोग ना करें, किसान देश का सेवक है, बदनाम करने का काम कर रहे हैं सभी जी, हम बदनाम करने का काम नहीं कर रहे। नहीं, किसान जब वहां है ही नहीं, उसके बीच में बैरिकेड लगे हुए हैं, कैसे चला जाएगा किसान, ये बताइए आप कौन सा रास्ता? ठीक है, आप तो बैरिकेड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेज से थोड़ी दूर की बात ये कही जा रही है। अरे स्टेज से थोड़ी दूर बीच में बैरिकेड लगे हैं, उसके उधर चलिए। ठीक है, ठीक है सविद जी, ठीक है सविद जी, आप कभी नहीं मानेंगे कि किसान इस तरह की हरकत को अंजाम दे रहे हैं, किसान इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। मेरे पास समय नहीं है सविद जी, आपको यही रोकना चाहूंगी। सविद जी और सुचित जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल माफ कीजिएगा, कल सिंघू बॉर्डर पर जो कुछ हुआ उसके बाद से ही लगातार अब किसानों के साथ
आंदोलन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या किसानों के इस आंदोलन के पीछे कोई अपना एजेंडा पूरा करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लगातार 11 महीने से जिस तरह यह आंदोलन चल रहा है उसके बाद से लगातार इस तरह की हिंसा, इस तरह की घटना, इस तरह की किसी को पीट पीट कर मार देना, किसी के साथ रेप कर देना, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। तो इसीलिए सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि क्या इस आंदोलन के पीछे कौन अपना मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।